बीजेपी के 5 साल को लेकर हमने बात की, बाय इलेक्शन को लेकर आप चैलेंज करते हैं कि 3 बाय इलेक्शन हुए, कभी नहीं लड़े गए, लेकिन आपकी पार्टी की बात करें, अब आप मुझे एक चीज बताओ, चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, दुष्यंत दिग्विजय का एक बयान आता है कि हमने अपने वोट को 40% करना है, ठीक है, और वो ये कहते हैं, खास करके जो इनसो वाले जो युवा वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमने अगला चीफ मिनिस्टर दुष्यंत को बनाया, दिग्विजय खुद ही कहते हैं, सुन तो लिया आप, सीट तो है 10, गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, गठबंधन रखना चाहते हैं, तो गठबंधन में 10 सीट वाला चीफ मिनिस्टर कैसे बने, आप मुझे बता दो क्या फार्मूला है, झूठ बोलते तो तुम्हें शर्म नहीं आती कोई थोड़ी बहुत, क्या कह रहे हो तुम लोगों के बीच में, लोग कोई पागल थोड़े हैं जो तुम ये कह रहे हो कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा लेंगे, वोट बैंक बढ़ेगा कैसे, 10 सीट है, और तुम कहते हो हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, हम गठबंधन में रहेंगे, हम दुष्यंत को दुष्यंत को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, आप मुझे बताओ भी 10 सीट वाला चीफ मिनिस्टर कैसे बढ़ेगा, 2024 से उम्मीदें होंगी कि हम ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, कैसे लेंगे, बीजेपी को उम्मीद होगी, नहीं बीजेपी सीट देगी तो लड़ेंगे ना, बीजेपी वाले मूर्ख हैं जो इनको ज्यादा सीट देंगे, क्यों देंगे, आपको लगता है कि जो दावा है कि गठबंधन चलेगा चुनाव तक, चलेगा गठबंधन दोनों, आप मुझे ये बताओ कि ये चीज संभव है क्या, आप रोजाना आप पॉलिटिक्स को देखती हो, एक सीनियर मोस्ट पत्रकार हो आप, हर चीज पे एनालाइज करते हो, क्या ये झूठ नहीं है, इससे बड़ा झूठ कोई बोला जा सकता है, आपको लगता है गठबंधन चल पाएगा इलेक्शन तक, सुनो मैं किसी के साथ गठबंधन करके 20 सीटें लेकर के कहूं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कैसे बन सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है, अगर मेरे पास बरोबर की सीटें होंगी तो मैं दावा कर सकता हूं इस बात का कि भी मैं मुख्यमंत्री का भी कैंडिडेट हूं, या मैं अपनी पार्टी के अंदर, हमारी अपनी पार्टी अलग से 90 की 90 सीट पर चुनाव लड़े, तब मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूं, मैं उस हालत में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बन सकता जब मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए 10 या 15 सीट हो, क्या पता बीजेपी पर इतना प्रेशर डालें कि हमें अधिक सीटें दी जाए या फिर गठबंधन टूटे, दावा तो है कि गठबंधन नहीं टूटेगा, मिलकर लड़ेंगे, आप ये चीज को घुमाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी इस बात को समझता है, 10 सीट वाला जो है गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ करके चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। अच्छा 3 साल से अधिक हो गए हैं अभी सरकार को, और मुख्यमंत्री को 8 साल से अधिक हो गए हैं, नारे लगवाते हैं, कैसे देख रहे हैं सर, नारे लगाते हैं, मुख्यमंत्री आया मुख्यमंत्री आया, शर्म करो, मुख्यमंत्री आया मुख्यमंत्री 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 तो एक ही है प्रदेश में, वही रहेगा, इनको तो रोजाना इस बात का डर रहता है कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला जो नाम है डिप्टी कैसे हटे आगे से? ये एक्स कैसे हो जाए, इनको इस बात का भी डर रहता है, अच्छा इस बात का डर कि आपको, दुष्यंत हट ना जाए कभी, आपको डिप्टी सीएम से ये डर है, इनको डिप्टी को डर है इस बात का, ये रोजाना ये अपने आप को बचाने के लिए रोज दिल्ली के चक्कर काटते हैं, आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं है कि हरियाणा के अंदर रोज किस तरह की चर्चाएं चल रही है, भाजपा का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर एमएलए, भाजपा का हर लीडर स्टेट का जो है आज की डेट में इनके साथ 1 मिनट भी गठबंधन में नहीं रहना चाहता, आप ये कहते हैं कि डिप्टी सीएम कभी भी हट सकते हैं, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि गठबंधन रहे, क्या दुष्यंत डिप्टी सीएम बने रहे, फिर क्या मजबूरी ऐसी है कि इनको साथ लेकर चला जा रहा है, 3 साल हो गए अब तो, 3 साल से अधिक, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबा चल पाएगा,